हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एंजियोस्पर्म की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ये टैक्सोनॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म को डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद हम जो है वो एनाटॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म डिस्कस करेंगे। और ये जो टॉपिक है वो काफ़ी बड़ा है, इससे लगभग जो है अब तक 400 क्वेश्चन जो है वो पूछे जा चुके हैं। तो ये टॉपिक काफ़ी बड़ा हो जाएगा, जिससे ये 7 से 8 वीडियो में जो है वो डिस्कस कर पाएंगे हम लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले भी अभी जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और हमारे टेलीग्राम और इंस्टा से भी जुड़े। टेलीग्राम और इंस्टा का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और टेलीग्राम पर डेली 7 और 9 PM जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की क्विज होती है। क्विज कुछ इस तरीके से होती है कि जैसे हमने अभी ये टैक्सोनॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म जो है वो डिस्कस किया, इसके जितने भी क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे वो क्विज के माध्यम से जो है वो क्वेश्चन आंसर फॉर्म में आपका टेस्ट टाइप का होगा। तो कोई भी क्वेश्चन आंसर जो है वो आपको अच्छे से जो है वो कम्प्लीट हो जाएगा टॉपिक का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इंस्टा पर जो है वो छोटी छोटी ट्रिक्स जो है वो मैं डालती हूँ, तो आप अगर ट्रिक्स से पढ़ना चाहें तो आप हमारे इंस्टा को फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो है वो पहला क्वेश्चन है, नील इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लीव्स ऑफ, नील जो है वो प्राप्त होती है किससे, मोरिंडा टिंक्टोरिया से, एल्काना टिंक्टोरिया से, इंडिगोफोरा टिंक्टोरिया से, या फिर राइटिया टिंक्टोरिया से। तो जो नील है वो इंडिगोफोरा टिंक्टोरिया से जो है वो प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर इसका जो है सी सही है। एक्चुअली क्या है, इसमें बॉटनिकल नेम कुछ थोड़े ज़्यादा हैं, तो टर्म जो है वो कुछ ज़्यादा ही बायोलॉजिकल हैं, तो आप लोगों को वो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने पड़ेंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखें या बुक रीडिंग करें तभी आपको कंप्लीट हो पाएगा। टॉपिक थोड़ा सा टफ है बाकी टॉपिक्स के मुकाबले, तो आप लोगों को बार बार इस टॉपिक को रिवाइज करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। Which of the following genus of Cucurbitaceae has all the 5 free stamens? इसमें पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा जो जीनस है जिसमें कुकरबिटेसी जो एक फैमिली है उसमें जो मेंबर्स होते हैं जिस जीनस में, तो 5 फ्री स्टैमेंस जो हैं उसमें पाए जाते हैं। यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन है कुकरबिटा, ऑप्शन है यहाँ पे कुकरबिटा, फेविएला, सिट्रुलस, या फिर कोकोनिया। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर बी सही है, फेविएला। इसी में क्या होते हैं कि जो 5 फ्री स्टैमेंस जो है वो पाए जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या है, बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग फैमिली विल यू कीप अ प्लांट विच हैज़ बेरी फ्रूट विथ मैनी सीड एंड परसिस्टेंट सेपल। इसमें जो है पूछा गया है कि इनमें से कौन सी ऐसी फैमिली है जिनमें जो प्लांट है, प्लांट का जो फ्रूट है वो उसमें बेरी पाया जाता है, और जो कि क्या होते हैं, मैनी सीडेड होते हैं, और उसमें परसिस्टेंट जो है वो सेपल जो है पाए जाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, सोलनेसी, पोएसी, रेनकुलेसी, या मैग्नोलिएसी। तो इसका जो है आंसर ऑप्शन नंबर ए सही है, सोलनेसी। सोलनेसी में क्या है, बेरी फ्रूट पाया जाता है, एंड जो सेपल्स है वो परसिस्टेंट होते हैं। हाँ, और इसमें क्या था, बेरी फ्रूट, मैनी सीड्स, और सीड्स भी बहुत पाए जाते हैं। जैसे सोलनेसी में मकोई वगैरह आती है, तो मकोई हो गया, आलू हो गया सोलनेसी में। तो ये इसमें क्या है, इसके फैमिली मेंबर्स थे। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या है, ए सही है। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है, लैक्टोटाइप इज सिलेक्टेड फ्रॉम एमंगस्ट। तो यहाँ पे पूछा गया कि लैक्टोटाइप क्या है, एक ये टाइप है, तो इसमें किसके लिए ये सिलेक्ट जो है वो किया जाता है, आइसोटाइप, सिनटाइप, या नियोटाइप, या कीमोटाइप। तो जो लैक्टोटाइप है वो सिनटाइप के लिए क्या है, किया जाता है फॉलो। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या है, बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर व्हाट एंडिंग इज रिकमेंडेड बाई फॉर सब डिवीजन। यहाँ पे पूछा गया है कि इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर जो है उसके अकॉर्डिंग जो जिसका एंड जो है, जो सब डिवीजन है इसका एंड जो है वो कहाँ होता है। मतलब जैसे क्लास होता है तो क्लास का एंड जो है वो ऑप्सिडा पर होती है, फैमिली होती है तो फैमिली का एंड जो होता है वो एसी पर एंड होता है, या डिवीजन होता है तो उसका एंड जो है वो फाइटा पर होता है। तो ये इसका जो है सब डिवीजन का एंड यहाँ पे पूछा गया है कि वो कौन सा मतलब एंड होता है इनमें से। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, फाइटा, फाइटना, ऑप्सिडा, या एसी। तो ऑप्सिडा तो देखिए फैमिली के क्लास के लिए होता है, जैसे एंथोसेरोटॉप्सिडा, ये टेरिडोफाइटा की एक क्लास है, और ये फाइटा मतलब टेरिडोफाइटा, ये क्या हो गया,
टेरिडोफाइटा जो है वो डिवीजन के लिए होता है, क्लास जो है वो ऑप्सिडा के लिए होती है जैसे एंथोस्ट्रोटा ऑप्सिडा, फैमिली जैसे मालवेसी सोलनेसी जिसके पीछे जो है वो जो है एसी लगा हो तो वो फैमिली को शो करता है। तो अब बचा क्या फाइटना, तो जो फाइटना होता है वो किसको सब डिवीजन को शो करता है, तो यहाँ पे फाइटना इसका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी फाइटना जो है वो सब डिवीजन को रिकमेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग जीनस हैज सेपरेटेड फ्रॉम लिलिएसी ऑन मॉर्फोलॉजिकल एंड साइटोलॉजिकल ग्राउंड्स। इसमें क्या है कि ऐसा जीनस का पूछा गया है जो सेपरेट करता हो लिलिएसी के मॉर्फोलॉजिकल और साइटोलॉजिकल जो कैरेक्टर होते हैं परस्पेक्टिव से इसको अलग करता है। तो यक्का यहाँ पे एग्जाम्पल दिए गए हैं एसाफोइडेलस ग्लोरियोसा या फिर नन ऑफ दी अबव। तो इसका जो आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यक्का जो है वो जो लिलिएसी के जो कैरेक्टर होते हैं मॉर्फोलॉजिकल और साइटोलॉजिकल बेसिस से इसको सेपरेट करता है, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या है ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। निम्नलिखित में से जो है वो कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। बायोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट वाज प्रपोज्ड बाय मेयर। सेकंड ऑप्शन है सेक्सुअल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज प्रपोज्ड बाय टरिल। नेक्स्ट है द टर्म एम्प्राइकल क्लासिफिकेशन वाज कॉइंड बाय सोकल या नन ऑफ द एबव। जिसका जो है वो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बायोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट वाज प्रपोज्ड बाय मेयर, यही जो है वो इसका ट्रू स्टेटमेंट है। और जो वाइल जो सेक्सुअल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इसमें पूछा गया है तो जो टरिल दिया है वो, जबकि टरिल ने नहीं दिया था, तो जो सेक्सुअल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था वो लीनियस ने दिया था, वो सिस्टेमा नेचुरल नाम की जो बुक थी सिस्टेमा नेचुरल उसी में क्या है इन्होंने जो है सेक्सुअल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का जो है प्रपोज्ड किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 विच ऑफ द फॉलोइंग फैमिली पॉसेस साइथियम टाइप ऑफ इन्फ्लोरिसेंस। निम्नलिखित में से कौन सी जो इन्फ्लोरिसेंस कौन सी फैमिली है ऐसी जो साइथियम इन्फ्लोरिसेंस को क्या है धारण करती है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं यूफोरबियेसी ऑर्किडियेसी मोरेसी या फिर रेनकुलेसी। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यूफोरबियेसी ऐसी फैमिली है जिसमें क्या है साइथियम इन्फ्लोरिसेंस जो है वो पाया जाता है। और ये कप शेप्ड होता है, इसमें कप शेप टाइप का जो है वो इन्फ्लोरिसेंस होता है। देखिए अभी आप लोग ऐसे क्वेश्चन आंसर के थ्रू आप लोग ये कंप्लीट करिए क्वेश्चन, फिर उसके बाद हर टॉपिक के मैं क्या है शॉर्ट नोट टाइप से लाऊंगी, तो हर टॉपिक को हम शॉर्ट नोट से पढ़ेंगे। जैसे टैक्सोनॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म है, इसको जितना हो सके उतना शॉर्ट वे में हम लोग जल्दी से कवर करने की कोशिश करेंगे। तो अभी हम लोग जो है वो क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेते हैं, और उसी के साथ क्या है शॉर्ट नोट के साथ ही कोई भी जैसे स्ट्रक्चर है जैसे इसमें साइथियम इन्फ्लोरिसेंस है या तो इस तरीके की चीज़ जो है वो हम शॉर्ट नोट में डिस्कस कर लेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। अल्टरनेशन नेम ऑफ अम्बेलीफेरी इज, जो अम्बेलीफेरी फैमिली है उसका अल्टरनेशन नेम जो है अल्टरनेट नेम वो कौन सा है, एपिएसी एरिकेसी एस्ट्रेसी या पोएसी। तो जो अम्बेलीफेरी का अल्टरनेट नेम है वो एपिएसी है, और जो एस्ट्रेसी है उसका अल्टरनेट नेम जो है वो कंपोजिटी है, और एरिकेसी का अल्टरनेट नेम जो है वो पामेसी है, जैसे इसमें एरिका पाम जो है वो आता है। पोएसी का जो अल्टरनेट नेम है वो ग्रैमिनी है। तो इसके अल्टरनेट जैसे कोई भी फैमिली है उसके फैमिली मेंबर्स और उसके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर हैं वो हमें याद करने, जैसे प्लासेंटेशन हो गया, उसमें कैलेक्स करोला हो गया, एंड्रोसियम गाइनोसियम हो गया, और ये उनके अल्टरनेट जो नेम है उनके, या उनका जो कोई फैमिली जो है वो उसका जो फैमिली मेंबर है बहुत ही यूजफुल है, जैसे मेडिसिनल टाइप से वो बहुत ज़्यादा यूजफुल है। तो इस तरीके के जो हैं चीज़ें वो क्वेश्चन में पूछी जाती है, या फिर कोई अपवाद हो इसमें, तो फैमिलियों में भी तो बहुत ज़्यादा अपवाद है, तो वो अपवाद जो है वो हमें ज़रूर डिस्कस करना है। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अकेशिया बिलोंग टू द फैमिली, जो अकेशिया है अकेशिया किस फैमिली से जो है वो बिलोंग करता है, मिमोसी सीजलपनीशी माइटेसी या वर्बिनेशी। तो अकेशिया जो मिमोएशी से फैमिली से जो है बिलोंग करता है अकेशिया अरेबिका, जैसे बबूल जिसको हम बोलते हैं या जैसे छुईमुई है
छुई मुई जैसे टच मी नॉट उसको बोलते हैं, तो वो भी इसी फैमिली से क्या है बिलोंग करती है। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नटग्रास, कांग्रेस ग्रास एंड दूब ग्रास एंड खस ग्रास। यहाँ पे ये चार ग्रासेस के नाम दिए गए हैं, नटग्रास, कांग्रेस ग्रास, दूब ग्रास और खस ग्रास। ये जो है किससे बिलोंग करती है, मतलब इनके जेनरा हमें पता होने चाहिए और फैमिली, तभी हम क्या है इस क्वेश्चन को आराम से लगा सकते हैं। तो इसमें दिया गया है फोर जेनरा फोर फैमिली, नहीं है ये फोर जेनरा थ्री फैमिली, यही जो है आंसर इसका सही है। ये आंसर कैसे सही है कि इसमें जो नटग्रास है वो साइप्रेसी फैमिली से बिलोंग करती है, ठीक है। नटग्रास हो गया, ये इसका जीनस साइप्रस रोडेंटस और ये साइप्रेसी फैमिली हो गया। और ये जो कांग्रेस ग्रास है वो पार्थेनियम है और इसकी फैमिली एस्ट्रेसी है। दूब ग्रास है साइनोडॉन डैक्टिलाइन और ये जो है वो पोएसी फैमिली से बिलोंग करती है। और जो दूब ग्रास है और खस ग्रास, ये दोनों क्या है एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं। खस ग्रास जिसको हम लोग कूलर वगैरह में आप लोगों ने देखा होगा यूज करते हैं, तो वो खस ग्रास होती है। और जो दूब ग्रास तो नॉर्मली देखी होगी, तो ये जो है वो दोनों पोएसी फैमिली से बिलोंग करती हैं। तो ये दोनों पोएसी फैमिली मतलब ये एक फैमिली से बिलोंग कर रही हैं और ये जो है अलग अलग फैमिली से, तो ये कुल मिला के ये जो है वो तीन फैमिली हो गई और जेनरा इसके कितने हो गए फोर जेनरा। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, फोर जेनरा और थ्री फैमिली से ये क्या है बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पब्लिकेशन ऑफ लीनियस लेड टू फाउंडेशन ऑफ प्लांट नोमेनक्लेचर। यहाँ पे पूछा गया है कि जो लीनियस ने प्लांट नोमेनक्लेचर का जो दिया था फाउंडेशन जो दिया था वो कौन सा पब्लिकेशन था, मतलब या किस बुक में जो है उन्होंने प्लांट नोमेनक्लेचर या बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो है वो दिया था। ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं क्राइटिका, बॉटेनिका, स्पीसीज प्लांटेरम, जनरा प्लांटेरम या नन ऑफ दी एबव। तो इसका जो ऑप्शन है स्पीसीज प्लांटेरम ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है। इसी बुक में क्या था उन्होंने प्लांट नोमेनक्लेचर या बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का कंसेप्ट जो है वो दिया था, ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं महोगनी वुड बिलोंग टू द फैमिली। यहाँ पे महोगनी एक प्लांट है उसको पूछा गया है कि वो किस फैमिली से बिलोंग करता है, फेवेसी, वर्बनेसी, मेलिएसी या रूबिएसी। तो जो महोगनी है वो मेलिएसी फैमिली से बिलोंग करता है, ऑप्शन नंबर इसका जो है ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 एग्जाइल प्लासेंटेशन इज नॉट फाउंड इन। एग्जाइल प्लासेंटेशन जो है वो नहीं पाया जाता है मालवेसी, लिलिएसी, सोलनेसी, एस्ट्रेसी। तो जो एग्जाइल प्लासेंटेशन है वो एस्ट्रेसी फैमिली में जो है वो नहीं पाया जाता है, जबकि जो मालवेसी और सोलनेसी और लिलिएसी में क्या है एग्जाइल प्लासेंटेशन पाया जाता है। और जो एस्ट्रेसी फैमिली है एस्ट्रेसी में जो है वो बेसल प्लासेंटेशन पाया जाता है। यहाँ पे बेसल प्लासेंटेशन का मतलब क्या होता है कि जब जो प्लासेंटा है उसमें जो ओवरी होती है उसमें जो ओव्यूल है वो बेस पर जो है वो लगा हुआ होता है, तो ऐसी ओवरी को क्या बोलते हैं या ऐसे प्लासेंटेशन को बेसल प्लासेंटेशन बोलते हैं। जबकि जो मालवेसी, सोलनेसी और लिलिएसी में एग्जाइल प्लासेंटेशन होता है, इसका मतलब ये होता है कि जो ओव्यूल है वो ओवरी के सेंटर में डेवलप होता है। ओवरी है जैसे ओवरी के जो सेंटर में अगर डेवलप होगा तो उसको बोलेंगे एग्जाइल प्लासेंटेशन, जो कि मालवेसी, सोलनेसी और लिलिएसी में पाया जाता है। जबकि एस्ट्रेसी में क्या है जो प्लासेंटेशन है वो बेसल प्लासेंटेशन पाया जाता है, क्योंकि इसमें जो ओव्यूल है वो ओवरी के बेस पर जो है वो क्या होता है डेवलप होता है या इसको कह सकते हैं प्रेजेंट होता है। तो इसका जो है वो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, एग्जाइल प्लासेंटेशन इज नॉट फाउंड इन द फैमिली ऑफ एस्ट्रेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन प्रेजेंटेड बाय हचिंसन इज। जो क्लासिफिकेशन का सिस्टम था वो हचिंसन का कौन सा था, फाइलोजेनेटिक, आर्टिफिशियल, नेचुरल या फिर नैनो ऑफ दिस। तो जो हचिंसन ने क्लासिफिकेशन का जो सिस्टम दिया था वो फाइलोजेनेटिक था, ऑप्शन नंबर क्या है ए सही है। और जो हचिंसन थे वो इंग्लिश बॉटनिस्ट थे और उन्होंने फाइलोजेनेटिक सिस्टम का जो है वो क्लासिफिकेशन दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है एरिका इज़ द टाइप जीनस ऑफ फैमिली। यहाँ पे एरिका का जो जीनस टाइप पूछा गया मतलब जो फैमिली पूछी गई है फैमिली उसकी कौन सी है, कंपोजिटी, क्रूसीफेरी, पामेसी या गटीफेरी। तो यहाँ पे जो है पामेसी इसका जो है वो आंसर है, ऑप्शन नंबर सी सही है। जैसे एरिका पाम, इसको एरिका पाम क्या है ये सुपारी इसको बोलते हैं, उस सुपारी में कौन सा फ्रूट पाया जाता है, अगर बायोलॉजिकल फ्रूट की बात करें तो उसका नेम क्या होता है ड्रूप।
ड्रूप बेसिकली जो हार्ड फ्रूट होते हैं उनको ड्रूप में रखते हैं, जैसे नारियल है ड्रूप में आता है, एरिका पाम मतलब सुपारी है वो भी ड्रूप में आएगा, तो इसका फ्रूट जो है वो एरिका का क्या है, ड्रूप है। और ये जो है किस फैमिली से, पामेसी फैमिली से बिलोंग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेनोपेलेनस पोलिन आर फाउंड इन, जो स्टेनोपेलेनस टाइप के पोलन ग्रेन्स होते हैं वो पाए जाते हैं एकेंथेसी, एस्ट्रेसी, रूबिएसी या फिर लैमिएसी। तो जो स्टेनोपेलेनस जो टाइप के पोलन ग्रेन्स हैं वो लैमिएसी में पाए जाते हैं, लैमिएसी या इसी को लेविएटी भी बोलते हैं, ये दोनों जो हैं इसी के नाम है। जैसे तुलसी की फैमिली इसको कह सकते हैं, जैसे मिंट फैमिली इसको डेड नेटल फैमिली भी बोलते हैं। तो यहाँ पे इसका जो है ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ फ्रूट विच डेवलप फ्रॉम अ बाइकार्पेलरी सिनकार्पस गाइनोशियम विथ यूनिलोक्युलर इन्फीरियर ओवरीज नोन एज। यहाँ पे एक प्लांट का कह सकते हैं कि डिस्क्रिप्शन नहीं, फ्रूट का जो है वो डिस्क्रिप्शन दिया है कि ऐसा फ्रूट जो डेवलप होता है बाईकार्पेलरी सिनकार्पस गाइनोशियम पर, वो भी किस में, यूनिलोक्युलर इन्फीरियर ओवरी के साथ जो डेवलप होता है, ऐसे फ्रूट को हम क्या बोलते हैं, सिप्सेला, पोम, नट या फिर ड्रूप। तो ऐसे फ्रूट को क्या है हम लोग सिप्सेला बोलते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही है। और सिप्सेला क्या होता है, सिप्सेला एक ड्राई सिंगल सीडेड फ्रूट इसको हम कह सकते हैं, जो कि क्या है डबल जो ओवरी होती है उसमें क्या है डेवलप होता है एक सीड के अंदर। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या है, ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एडिबल पार्ट ऑफ मैंगो इज, मैंगो का जो एडिबल पार्ट है वो कौन सा होता है, फाइब्रस मीजोकार्प, सीड कोट, एंडोकार्प या फिर एपिकार्प। तो जो मैंगो का एडिबल पार्ट है वो फाइब्रस मीजोकार्प होता है। द फ्रूट ऑफ मैंगो इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ ड्रूप इन इट्स द फाइब्रस मीजोकार्प फॉर्म्स एडिबल सॉरी यहाँ पे थोड़ा डिस्टर्ब हो गए। तो यहाँ पे जो एडिबल पार्ट है मैंगो का वो क्या होता है, फाइब्रस मीजोकार्प होता है, और इसमें इसका जो फ्रूट है वो भी ड्रूप होता है, और इसका जो फ्रूट है वो फाइब्रस मीजोकार्प जो है वो हम खाने योग्य जो भाग है वो फाइब्रस मीजोकार्प। तो इसका ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फ्रूट ऑफ कोरिएंडर इज, जो फ्रूट होता है कोरिएंडर का वो कौन सा फ्रूट होता है, सिल्कुआ, क्रीमोकार्प, लोमेंटम या डबल समार है। तो जो फ्रूट है कोरिएंडर का वो क्रीमोकार्प होता है, ऑप्शन नंबर इसका बी जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, द स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म इज, स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म के बारे में पूछा गया है, स्पायरोडेला, एरिथोबियम, लेमना या फिर बॉल्फिया। तो बॉल्फिया क्या है, स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म है, इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग फैमिलीज विल यू प्लेस अ प्लांट विच हैज़ बायकोलेट्रल वैस्कुलर बंडल, क्लाइंबिंग स्टेम एंड यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यहाँ पे फैमिली के बारे में बताया गया है, फैमिली के कुछ कैरेक्टर, फैमिली के अंदर एक प्लांट के कैरेक्टर यहाँ पे दिए गए हैं कि बायकोलेट्रल वैस्कुलर बंडल जिसमें पाए जाते हैं, क्लाइंबिंग स्टेम के साथ और यूनिसेक्सुअल फ्लावर होता है। तो वो ऐसी कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, प्लांट ब्रैसिकेसी, एस्ट्रेसी, कुकरबिटेसी या फैबेसी। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर सी सही है, कुकरबिटेसी से बिलोंग करता है, क्योंकि जो बायकोलेट्रल वैस्कुलर बंडल है वो कुकरबिटेसी फैमिली का क्या है एक स्पेशल कैरेक्टर है, क्योंकि इसके स्टेम में जो है वो बायकोलेट्रल वैस्कुलर बंडल पाए जाते हैं, और ये क्या है क्लाइंबिंग, इसकी जो स्टेम होती है वो क्लाइंबिंग होती है, मतलब एक दूसरे के सहारे कह सकते हैं चढ़ते हैं, मतलब क्लाइंबिंग बेल टाइप से हम कह सकते हैं कि इसकी जो है बेल होती है। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका, कुकरबिटेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन क्लासिफिकेशन द एंडिंग ऑप्सिडा इज यूज्ड फॉर, यहाँ पे पूछा गया कि क्लासिफिकेशन में जो ऑप्सिडा से एंड होता है उसको क्या बोलते हैं। यहाँ पे दिया गया है ऑर्डर, ट्राइब, क्लास या सब क्लास। तो ऑप्सिडा से क्या हमने अभी बताया था, क्लास को बताया था कि जैसे एंथोसिरोटॉप्सिडा हो गया, या फिर इस तरीके की जो ऑप्सिडा पर एंड होंगी वो बेसिकली किस में जाएंगी, क्लास के साथ। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या है, सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 लिगुलेट लीफ एंड वर्सेटाइल एंथर आर फाउंड इन, लिगुलेट लीफ और वर्सेटाइल एंथर जो है वो किस में पाए जाते हैं, पेपरेसी, मालवेसी, लैमिएसी या पोएसी। तो जो वर्सेटाइल एंथर और जो लिगुलेट लीफ है वो पोएसी में पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर इसका क्या है, डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
फ्यूमेरिया इज इंक्लूड इन पेपरवरेसी बिकॉज ऑफ, फ्यूमेरिया जो है वो पेपरवरेसी में शामिल किया गया है क्योंकि जाइगोमॉर्फिक फ्लावर एंड स्टेमेंस, स्टेमेंस एंड प्लासेंटेशन, जाइगोमॉर्फिक फ्लावर एंड प्लासेंटेशन, सेपल्स एंड प्लासेंटेशन। तो फ्यूमेरिया को पेपरवरेसी में इंक्लूड किया गया है क्योंकि उसमें सेपल्स जो हैं, सेपल्स और जो प्लांटेशन है उसकी वजह से इसको क्या है कि पेपरवरेसी में जो है वो शामिल किया गया है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या है, डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट 26 क्वेश्चन नंबर पे चलते हैं हम लोग। द कैरेक्टरिस्टिक्स इन्फ्लोरेसेंस ऑफ यूफोरबिया इज, जो यूफोरबिया में जो इन्फ्लोरेसेंस है वो कौन सा होता है, अम्बेल, कैपिटुलम, साइथियम, वर्टिसिलास्टर। तो जो यूफोरबिया में जो इन्फ्लोरेसेंस है वो कौन सा होता है, साइथियम होता है। इसका जो है ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फैमिलीज लोडिक्यूल्स आर फाउंड, इनमें से कौन सी ऐसी फैमिली जिसमें लोडिक्यूल्स जो है वो पाए जाते हैं, एरिकेसी, पोएसी, फेवेसी या पेपरवरेसी। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर बी सही है, पोएसी में क्या है लोडिक्यूल्स पाए जाते हैं, जो कि अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में आई थिंक डिस्कस किया था एक दो क्वेश्चन पहले। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, इनमें से कौन सा जो है वो करेक्टली मैच्ड नहीं है, कैरियोफिलेसी, रेसिमोजन फ्लोरसेंस, एपीएसी, स्टाइलोपोडियम, कैप्रिडेसी, गायनेंड्रोफोर, एस्क्लीपीडिएसी, गायनोस्टेजियम। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर ए सही है, इसी का क्या है ये सही नहीं है क्योंकि कैरियोफिलेसी में जो है वो कार्निशन फैमिली बेसिकली इसको बोलते हैं, पिंक फैमिली या कार्निशन फैमिली भी इसको बोलते हैं। तो इसमें रेसिमोज इन्फ्लोरसेंस नहीं पाया जाता है, इसमें कौन सा साइमोज इन्फ्लोरिसेंस पाया जाता है, साइमोज इन्फ्लोरसेंस इसमें पाया जाता है, वो भी डाइकेशियल और बाइपोरस साइम के साथ इसमें साइमोज इन्फ्लोरसेंस पाए जाते हैं, जबकि यहाँ पे क्या लिखा था रेसिमोज। तो यही जो आंसर है वो गलत था, तो ये सही हो जाएगा। 29 लोडिक्यूल्स इन फ्लावर्स ऑफ पोएसी रिप्रेजेंट, जो पोएसी फैमिली में लोडिक्यूल्स पाए जाते हैं बेसिकली वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, सेपल्स को, पेटल्स को, पेरियंथ को या फिर ब्रैक्टियोल्स को। तो जो पोएसी फैमिली में लोडिक्यूल्स पाए जाते हैं वो पेरियंथ को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। ये क्वेश्चन देखिए यूपीएससी प्री 2008 में जो है पूछा गया है और यही सेम क्वेश्चन जो है वो आई थिंक टीजीटी 2021 के एग्ज़ाम में या फिर जीआईसी जो 2021 में हुआ था उस एग्ज़ाम में ये जो है पूछा गया क्वेश्चन है, मुझे करेक्टली याद नहीं आ रहा है लेकिन इन दोनों एग्ज़ाम में से ये जो क्वेश्चन है वो एक में पूछा गया है। तो इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, हालांकि ये यूपी मतलब ये जो है यूपीपीसीएस प्री के जो क्वेश्चन है वो अभी स्टार्टिंग में दिए गए हैं इसमें, लेकिन ये भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि काफ़ी बार क्या है इनमें से जो क्वेश्चन है वो पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म बायोसिस्टमैटिक्स वाज कॉइंड बाई, ये जो टर्म है बायोसिस्टमैटिक्स ये जो है वो किसने कॉइंड किया था, ऑप्शन है बेंथम एंड हुकर, लीनियस, एंग्लर एंड प्रेंटल, कैंप एंड गिली। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर डी सही है, कैंप एंड गिली ने जो है बायोसिस्टमैटिक्स को जो टर्म है वो कॉइंड किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टाइप ऑफ स्पेसिमैन यूज बाय द ऑथर ऑफ डिस्क्राइब अ प्लांट फॉर द फर्स्ट टाइम इज नोन एज, एक ऐसा स्पेसिमेन जो कि ऑथर के द्वारा यूज किया जाता है जिस प्लांट को जब वो फर्स्ट टाइम जब कोई भी प्लांट की जानकारी होती है तब वो डिस्क्राइब के लिए यूज किया जाता है, वो कौन सा स्पेसिमेन है, होलोटाइप, लैक्रोटाइप, न्यूटाइप या पैराटाइप। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा होलोटाइप, ऑप्शन नंबर इसका क्या है ए सही है, होलोटाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द मिसमैच पेयर अमंगस्ट द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से ऐसे पेयर को जो हमें ढूंढना है जो कि गलत है, यूकेलिप्टिस, सिट्राइओर्डिया, मायरटेसी फैमिली और एंथोसिफेलस, रूबिएसी, कोकोनिया, कॉर्डिफोलिया, कुकरबिटेसी, अकेसिया कैटचू या पामेसी। तो इसमें मिसमैच जो पेयर है वो अकेसिया कैटचू है जो कि पामेसी फैमिली से नहीं है, जबकि जो अकेशिया होता है जो जिसको अकेशिया सॉरी ये इसमें कत्था है अकेसिया कैटचू जो कि जो फैमिली फैवेसी से बिलोंग करता है ना कि पामेसी से बिलोंग करता है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो है वो डी सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग फैमिलीज एग्जिबिट वेरिएशन फ्रॉम पॉलीएंड्री एंड टू सिनेंड्री इन डिफरेंट जेनरा. निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी फैमिलीज है जो पॉलीएंड्री और सिनेंड्री के डिफरेंट जेनरा को जो है वो वेरिएशन शो करती है. कुकरविटेसी, लिलिएसी, मालवेसी, एस्ट्रेसी. तो इसमें जो है कुकरविटेसी इसका ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा. कुकरविटेसी जो फैमिली है इसी में ये क्या है इसमें शो करती है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू ICVN विच ऑफ द फॉलोइंग एंडिंग इज़ यूज फॉर क्लास. इसमें क्या है कि जो क्लास जो है इसमें पूछा गया कि इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर के अनुसार जो क्लास है, जो मतलब सिस्टम है क्लासिफिकेशन को, उसमें जो क्लास है वो किस पर एंड होती है. तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं AC पर, ऑप्सिडा पर, AC या IDA. तो जो क्लास है वो हमने बताया था अभी ऑप्सिडा पर जो है वो एंड होती है, जैसे एंथोसोरोड ऑप्सिडा. तो ऑप्शन नंबर इसका सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा. इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, 35 क्वेश्चन नंबर. अ प्लांट हैज परसोनेट कोरोला, कोरोला एग्जाइल प्लासेंटेशन, स्वालन प्लासेंटेशन एंड मैनी ओव्यूल पर लोक्यूल. इट बिलोंग्स टू द फैमिली. यहाँ पे एक प्लांट के जो कैरेक्टर हैं वो दिखाए गए हैं. कोरोला जो है वो परसोनेट है, एग्जाइल प्लासेंटेशन है, स्वालन प्लासेंटेशा के साथ इसमें मैनी ओव्यूल्स पाए जाते हैं पर लोक्यूल. तो ऐसी कौन सी फैमिली है, सोलनेसी और यहाँ पे स्क्रोफुलरेसी और एकेंथेसी या कैरियोफिलेसी. तो इसका जो है ऑप्शन नंबर ए सही है, सोलनेसी. सोलनेसी अगर जहाँ पे स्वालन प्लासेंटेसा आ जाए तो वहाँ पे सीधा आप सोलनेसी के साथ चले जाना. तो इसका जो है वो ऑप्शन नंबर ए सही है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लांट्स इन द क्यू हर्बेरियम आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू द क्लासिफिकेशन ऑफ. जो क्यू हर्बेरियम है उसमें जो प्लांट्स का अरेंजमेंट है वो किस क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग है, वैसे, एंगलर एंड प्रेंटल, बैंथम एंड नुकर या डीगंडोले. तो जो क्यू हर्बेरियम है उसमें जो प्लांट्स का जो अरेंजमेंट है वो बैंथम और हुकर के क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग क्या है, अरेंजमेंट उसका किया गया है. ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्ब्रियोलॉजिकली विच जीनस हैज़ बीन सेपरेटेड फ्रॉम रेनन्कुलेसी. भ्रौणकी के आधार पर कौन सा वंश जो है वो रेनन्कुलेसी से अलग किया जाता है, पैओनिया, एनिमोन, कॉप्टिस या फिर एक्यूलेजिया. तो इसका जो है ऑप्शन नंबर ए सही है, पैओनिया ऑप्शन नंबर ए है. जो ये जो क्या है रेनन्कुलेसी जो है फैमिली उससे ये क्या है सेपरेट जीनस है, क्योंकि पैओनिया जो है वो पैओनिएसी फैमिली से बिलोंग करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए ये लिस्ट दी गई है और इसी के अकॉर्डिंग हमें ये मिलाना है. तो पहले यहाँ पे ये बॉटनिकल जो वो है नेम दिए गए हैं, बॉटनिकल नेम यहाँ पे दिए गए हैं और यहाँ पे स्टिपुल्स यहाँ पे पूछे गए हैं. तो एरिकस हाइपोजिया बेसिकली ये मूंगफली है. यहाँ पे स्टिपुल्स एडनेट, साइडा साइडा एक्टा, स्टिपुल्स इंटरपैटियोल पैटियोलर और हेमेलिया पैटेंस, स्टिपुल्स फॉलिएसस, पाइशम सेटाइवम, स्टिपुल्स फ्री लेटरल. तो यहाँ पे क्या है इसको हमें बताना है. तो ये आप देख लीजिए यहाँ पे. तो बेसिकली जो एरेकिस हाइपोजिया है उसमें जो है स्टिपुल्स जो पाए जाते हैं वो स्टिपुल्स एडनेट टाइप के पाए जाते हैं. यहाँ पे ए बिल्कुल सही, ए का वन हो जाएगा. तो ए का वन देखते हैं, डी में दिया गया है तो यही जो है वो सही हो जाएगा. और बी का क्या है, साइडा एक्यूटा में क्या होते हैं फ्री लेटरल जो स्टिपुल्स हैं वो पाए जाते हैं. तो बी का फोर हो जाएगा. और हेमिलिया पैटेंस जो है उसका जो होता है वो स्टिपुल्स इंटरपैटियोलर होते हैं और पाइसम सेटाइवम के क्या फोलेशियस होते हैं. तो थ्री के साथ चले जाएंगे. इस हिसाब से इसका क्या है डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा. देखिए अगर हमें कभी भी समझ में ना आ रहा हो, अगर कोई एक या दो हमें आते हो तो हम फिर भी इस मैच लिस्ट को क्या कर सकते हैं, मैच कर सकते हैं. यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे फिर से एक लिस्ट दी गई है. यहाँ पे निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म जो है वो सुमिलित नहीं है. यहाँ पे पूछा गया है कौन सा नहीं है, इटेरियोप, एकिन्स, एग्रेटम, सोरोसस, एनस, इटेरियोप फॉलिकल्स, मैग्नोलिया और हेस्पिरिडियम सिट्रस. तो यहाँ पे जो है नहीं पूछा गया. तो इटेरियोप एकिन्स जो है वो जो एग्रीगेटम है, एग्रेटम वो नहीं होता है, यही जो है इसका गलत है. और ऑप्शन नंबर इसका ए जो है वो सही हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है,
डुप्लीकेट ऑफ होलोटाइप इज होलोटाइप का अनुलिपि होता है न्यूटाइप, आइसोटाइप, सिनटाइप या पैराटाइप। तो जो डुप्लीकेट होलोटाइप का डुप्लीकेट होता है वो आइसोटाइप होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरिल द एडिबल पार्ट ऑफ लीची इज मॉर्फोलॉजिकली, लीची का खाद्य भाग एरिल है वो आकार की दृष्टि से कैसा होता है, एंडोस्पर्म या फिर एंडोकार्प या इंटेग्यूमेंट या मीजोकार्प। तो लीची का जो खाने योग्य भाग है वो कौन सा होता है, इंटेग्यूमेंट होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ते हैं, द डिहीशन ऑफ फ्रूट इन अ फॉलिकल अकर्स बाय, फॉलिकल फलों का स्पुटन होता है वेंट्रल एंड डॉर्सल सचर, वेंट्रल सचर फ्रॉम वेस ऑफ अपबार्ड या फिर यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन जो है वो है फ्रॉम पोर्स। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर ए सही है, वेंट्रल एंड डॉर्सल सचर के द्वारा क्या है इसका जो फ्रूट है, डिहीशेंस जो है फ्रूट फॉलिकल्स का जो होता है, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या है, ए सही है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, 43 क्वेश्चन नंबर, द फ्रूट ऑफ कैरेट इज, गाजर का जो है फल होता है वो सिल्कुआ, क्रीमोकार्प, लोमेंटम या फिर डबल समारा। तो जो कैरेट का फ्रूट है वो क्रीमोकार्प होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे फिर से देखिए एक लिस्ट दी गई है, मैच लिस्ट, यहाँ पे हमें मैच करके यहाँ पे बताना है। तो देखिए ड्रूप जो हमने बताया था, जो हार्ड जितने भी फ्रूट होते हैं ड्रूप बेसिकली उनके लिए यूज किया जाता है, पर ऐसा नहीं है, काफ़ी आपको एक दो ऐसे अपवाद टाइप के देखने को मिलेंगे। जैसे अभी हमने बताया था सुपारी, वो भी एक ड्रूप है, कोकोनट वो भी ड्रूप है। तो ड्रूप किस में जाएंगे हम, कोकोनट के साथ। तो ए का जो है वो थर्ड यहाँ पे हमें दो में देखने को मिल रहा है। अब हम नेक्स्ट फिर भी मिलाएंगे, जो बेरी है वो ब्रिंजल होता है, बी से बी आप याद कर सकते हैं, बेरी से ब्रिंजल। तो यहाँ पे क्या है, बी का फर्स्ट हो जाएगा। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। और हम नेक्स्ट और देख लेते हैं, पीपो जो है वो पीपो कोकम्बर में होता है और डबल समारा क्या होता है, एसर होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या है, सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्टरनेटिव नेम ऑफ फैमिली गटिफेरी इज, जो गटिफेरी फैमिली है उसका वैकल्पिक नाम जो है वो क्या होता है, एपिएसी, पेपेबरेसी, क्लूसिएसी या पोएसी। तो इसका जो गटिफेरी का अल्टरनेटिव नेम जो है वो क्या होता है, क्लूसिएसी होता है, क्लूसिएसी। ऑप्शन नंबर इसका क्या है, सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट वाज प्रपोज्ड बाय, जो बायोलॉजिकली स्पीसीज है, जैविक जाति धारणा है वो किसने प्रस्तावित की थी, लीनियस ने, मेयर ने, लव ने या फिर हुकर ने। तो जो इसका ऑप्शन है जो बी सही है, जो मेयर नाम के साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या है, बायोलॉजिकल जो स्पीसीज है वो प्रपोज करी थी। अब देखिए यहाँ पे फिर से एक मैच लिस्ट आ गई है, हमें फिर से मैच करना है, कोकस न्यूसिफेरा, फ्रूटा सिप्सेला, यूफोरबिया, पल्चराइमा, फ्रूटा सिनकोकस, नेक्स्ट फाइकस रेसिमोजा, फ्रूटा कैप्सूल एग्रीगेटम, कॉनिजॉइड्स, फ्रूटा ड्रूप। तो यहाँ पे कोकस जो न्यूसिफेरा है वो क्या हो जाएगा, ड्रूप हो जाएगा। तो फ्रूट और ड्रूप, तो ए का जो है वो चौथा है। तो ये इस हिसाब से ए जो है वो सही हो जाएगा आंसर। इस हिसाब से यूफोरिया पल्चराइमा फ्रूट ऑफ कैप्सूल है, फाइकस रेसिमोजा ये फ्रूट ऑफ सिनकोकस है, और एग्रीगेटम जो है इसका जो है फर्स्ट हो जाएगा, तो फ्रूट ऑफ सिप्सेला। ऑप्शन नंबर इसका इस हिसाब से ए सही है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट कोकस सेटाइवस, क्रोकस सेटाइवस के किस पौधे के किस भाग से जो है केसर प्राप्त होता है, रूट, पेटल, स्टैमिन, स्टाइल एंड स्टिग्मा। तो जो सेफ्रॉन है या केसर है उस जो स्टाइल और स्टिग्मा से जो है वो प्राप्त होता है, इसीलिए अगर पूछा जाए कि केसर इतना महंगा क्यों है, क्योंकि वो स्टाइल और स्टिग्मा से प्राप्त हो रहा है, क्योंकि फ्रूट जो है वो बन भी नहीं पा रहा है, फ्लावर से जो है वो प्राप्त हो रहा है। तो फिर उसके नए फ्रूट्स को लाने के लिए काफ़ी सारी मेथड्स और ऐसी चीज़ें की ज़रूरत पड़ती होगी, इसीलिए ये क्या है, फ्रूट महंगा है, जो फ्रूट सॉरी नहीं जो केसर का फ्लावर है, इसीलिए जो केसर होता है वो इतना महंगा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 49, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्ट मैच, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो सही सुमेलित है, एस्टर का वर्टिसिलेटर, सलाइवा का स्पाइकलेट, यूफोरबिया का शाइएथियम, मालवा का कैपिटुलम। तो कौन सा पूछा गया है सही है, तो यूफोरबिया का शाइएथियम जो है वो सही है, बाकी क्या है ये सारे गलत हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका सी जो है वो सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इन सीजल पेनिएसी द एस्टिवेशन ऑफ कोरोला इज सीजल पेनिएसी में जो पुष्पदल विन्यास है वो होता है असेंडिंग इम्ब्रिकेट डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट वॉल्वेट या ट्विस्टेड। तो जो सीजल पेनिएसी में एस्टिवेशन है कोरोला का वो असेंडिंग इम्ब्रिकेट होता है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग जीनस ऑफ फैबेसी हैज ओनली वन सीड इन द फ्रूट। कुल फैबेसी के किस वंश के फल में केवल एक बीज होता है, लेथाइरस पाइसम बिगना या फिर मेडिकागो। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर डी सही है। मेडिकागो जो है जीनस, इसमें ये फैमिली फैबेसी के प्लांट है और इसमें क्या होता है केवल एक सीड होता है। ऑप्शन नंबर इसका डी जो है वो सही है। स्टाइलोपोडियम इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फैमिली। स्टाइलोपोडियम किस फैमिली का विशिष्ट लक्षण है, ऑर्किडेसी एस्क्लिपीडियसी एपिएसी या फिर रूटेसी। तो जो स्टाइलोपोडियम है वो एपिएसी, सी ऑप्शन इसका सही है। एपिएसी फैमिली का जो है वो कैरेक्टर है। इसकी बेसिकली स्ट्रक्चर कैसी होती है, ये इस टाइप से इसकी जो है वो स्ट्रक्चर होती है। ये यहाँ पे ऊपर ऊपर की जो स्ट्रक्चर मैं आपको बना के दिखाती हूँ, जो यहाँ पे ये जो है इसी को क्या है स्टाइलोपोडियम बोलते हैं। तो इसी के साथ जो है वो आज हम जो है 52 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में भी लगभग हम 50 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और ये काफ़ी लंबा टॉपिक है, इसमें हमने पहले ही बताया है कि लगभग 400 क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, तो इसमें टाइम लगेगा इस टॉपिक में। और चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियोज़ अगर आपको अच्छे लग रहे हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और हमारे टेलीग्राम से जुड़ना ना भूलें, क्योंकि टेलीग्राम पर जो भी मतलब बेसिकली क्विज है वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो क्वेश्चन जो है वो यहाँ वहाँ से उठा के नहीं दिए जा रहे हैं आपको। जैसे आपने और अदर क्विज में देखा होगा कहीं से भी कॉपी पेस्ट क्वेश्चन कर लिए जाते हैं। एक बार आप उनसे पूछ के देखें कि ये जो क्विज आप करवाते हैं वो उनके क्वेश्चन कहाँ से लेते हैं, तो वो आपको जवाब नहीं दे पाएंगे क्योंकि वो कॉपी पेस्ट करते हैं बेसिकली। तो ये जो क्वेश्चन है मैं जितनी भी देती हूँ, हालांकि क्वेश्चन कम करवाती हूँ क्विज में, लेकिन जितने भी क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं आप लोगों के लिए, क्योंकि वो प्रीवियस ईयर है। तो आप लोग टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ें। थैंक यू।